हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज इस चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही हैं, आप सब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आपने इतने सारे कमेंट्स करे, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने कल के वीडियो में चीज़ डिस्कस भी की थी कि अब से वीडियो जो है 6 o'clock मॉर्निंग में आ जाए करेंगी, टाइम से आएंगी, और बस आपको क्या करना है, डेली उस चीज़ को देखना है और रिवाइज़ करना है। और एक और चीज़ जो मैंने बोली थी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कि जिस तरीके से अभी हम पॉलिटी की वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए, उसी तरह अदर स्टैटिक्स का जो आपका सिलेबस है, जिसमें आपका आता है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, पॉलिटी तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट हो गया, तो इन सब टॉपिक्स में भी बहुत जल्द से जल्द हम वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं पॉलिटी की मैं बना ही रही हूँ, और जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो जिसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए साइंटिफिक चीज़ों को ईजिली यू नो समझ पाना, तो काफ़ी इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वायरमेंट का सेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट 2-3 सालों से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से कर लीजिए, है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले PMF जो है एनवायरनमेंट का, बहुत ही अच्छी बुक है, एकदम कह सकते हैं टू द पॉइंट उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टैटिक पोर्शन कवर है। देखो स्टैटिक के लिए आपको तो PMF को मैं एडवाइस करूँगी, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी करंट से तो आपके क्वेश्चंस आते ही हैं, तो उसके लिए आप कोई भी मैगज़ीन जो है रेफ़र कर सकते हैं। बहुत से लोग विजन की मैगज़ीन रेफ़र करते हैं, कोई फोरम की मैगज़ीन, कोई बाजीराम की, तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी मैगज़ीन के लिए करंट अफेयर के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट स्टैटिक के लिए आपके पास दो बुक नॉर्मली बच्चे रेफ़र करते हैं, एक तो शंकर आयस की बुक है और एक PMF की है। तो फ़िलहाल PMF थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं लेटेस्ट वर्जन है, तो उसको हम अपनी वीडियोस में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो सर हैं वो आपके लिए PMF एनवायरनमेंट के जो भी वीडियोस होंगे, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, वो लेके आ जाएंगे इस वीक, या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट वीक तक आपको एनवायरनमेंट के ऊपर वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से वन बाय वन हम एक एक सब्जेक्ट को लेके फिनिश करते हुए चलेंगे, ताकि मई से पहले आपके सारे जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ और कोई भी डाउट उसमें आपको ना रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने स्टेजेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, कि किस तरीके से बजट जो है डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास ऑन होता है। स्टेज नंबर वन हमने प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट हमने डिस्कस कर लिया था। देन हमने स्टेज टू में डिस्कस किया था जनरल डिस्कशन, कि किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन होगा उस दौरान। एंड थर्ड स्टेज जो थी वो हमारी थी डिपार्टमेंटल कमिटीज़ क्या करेंगे, उसको स्क्रूटनी करेंगी और बजट को कह सकते हैं कि डिटेल्ड मैनर में करेंगी, इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिवली उसको स्क्रूटनी की जाएगी, और इस दौरान 3 से 4 हफ्ते मतलब बेसिकली लग जाते हैं स्क्रूटनी करते टाइम पे, एंड देन फाइनली वो अपनी रिपोर्ट बना के दोनों हाउसेज में जो है लोकसभा में और राज्यसभा में जो है रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कल तक हो गया था। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे, हमारा फोर्थ स्टेज है वोटिंग ऑन दी डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। क्योंकि देखो डिमांड फॉर ग्रांट को डिस्कस कर लिया, डिपार्टमेंटल कमिटीज़ ने उसको स्क्रूटनी भी कर ली, अब जब वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही है तब उसके बाद जो है वोटिंग स्टार्ट होगी, यानी जो भी डिमांड्स हर एक मिनिस्ट्री के द्वारा दी जा रही हैं उन डिमांड को ग्रांट में कन्वर्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेज में, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है, इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल कमिटीज द लोकसभा टेक्स अप वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट, द डिमांड आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज एंड अ डिमांड बिकम अ ग्रांट आफ्टर इट हैज़ बीन ड्यूली वोटेड, ठीक है। यानी कि जो भी रिपोर्ट्स डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने रखी हैं लोकसभा राज्यसभा के सामने, अब लोकसभा क्या करेगी, उन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को देखेगी एंड फाइनली अब वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर स्टेज में और मिनिस्ट्री वाइज होगी। यानी कि मान लो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने अपनी जो भी डिमांड्स रखी है कि पर्टिकुलर स्कीम वो लेके आ रहे हैं उसमें इतना पैसा चाहिए उनको, या फिर ये पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं उसमें इस तरीके से खर्चा होने वाला है, तो उन सभी डिमांड्स को वन बाय वन जो है वोटिंग किया जाएगा, और मेन इंपॉर्टेंट क्या, एक साथ नहीं किया जाएगा, मिनिस्ट्री वाइज किया जाएगा।
और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वो पर्टिकुलर डिमांड जो है ग्रांट में कन्वर्ट हो जाएगी कब, जब वो ड्यूली वोटेड यानी सभी के द्वारा जब उस पर वोट हो जाएगा तब वो डिमांड बेसिकली ग्रांट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी फाइनली उस पर्टिकुलर डिमांड में उनका जो भी पैसा होगा वो उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि टू पॉइंट शुड बी नोटेड इन दिस कंटेक्स्ट, यानी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यानी जब वोटिंग की बात करें तो दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। पहला, वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर अ ग्रांट इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है ऑफ द लोकसभा, दैट इज़ राज्यसभा हैज़ नो पावर ऑफ वोटिंग ऑफ द डिमांड। ठीक है, यानी सिंपली यहाँ पे पहला तो ये बोला गया है कि जैसे कि हमने इसको पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो वोटिंग होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही पार्टिसिपेट करेगी, राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा डिस्कशन तो कर सकती हैं बट राज्यसभा में जो है बेसिकली वोटिंग नहीं हो सकती, वोटिंग सिर्फ लोकसभा में ही होगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि वोटिंग इज़ कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सबमिटेड टू द वोट, इट कैन ओनली बी डिस्कस। तो अगेन ये सेकेंड पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था पहले कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें जो आपका एक्सपेंडिचर चार्ज है, ठीक है, यानी वो पैसा जो खर्च होना ही होना है, जो सैलरीज के थ्रू जो है जाएगा ही जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पर्टिकुलर पैसों पे यानी उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर चार्ज पे कोई भी वोटिंग नहीं की जाएगी। डिस्कशन कर सकते हैं बट वोटिंग नहीं होगी, तो यानी कि बजट का जो वोटेबल पार्ट है सिर्फ उसी पे ही वोटिंग की जाएगी, जो नॉन वोटेबल पार्ट है, नॉन वोटेबल पार्ट क्या है आपका एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पर्टिकुलर पार्ट पे वोटिंग नहीं होगी। तो इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जब भी वोटिंग होगी लोकसभा ही पार्टिसिपेट करेगा, राज्यसभा नहीं करेगा, और सिर्फ वोटेबल पार्ट जो होगा बजट का उसी पे वोटिंग की जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं। बोला गया है कि ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली बाय द लोकसभा, ड्यूरिंग दिस स्टेज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन डिस्कस द डिटेल ऑफ द बजट एंड दे कैन ऑल्सो मूव मोशन टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर अ ग्रांट, सच मोशंस आर कॉल्ड एज द कट मोशन। जो कि हम देखेंगे तीन तरह के कट मोशंस दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा क्या करेगी, हर एक डिमांड पे सेपरेटली वोट करेगी, ऐसा नहीं करेगी कि सारी की सारी डिमांड्स को एक साथ वो वोट करके कह रही है कि हाँ इसको हम पास कर देते या फिर इसको हम रिजेक्ट कर देते, नहीं, हर एक डिमांड पे सेपरेटली वोट किया जाएगा लोकसभा के द्वारा। और इस स्टेज पे कह सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो डिस्कस कर सकते हैं बजट को, ऑब्वियसली जब आप कोई भी चीज़ डिमांड लेके आओगे पहले आप डिस्कस करोगे, ऑल दो सेकेंड स्टेज पे डिस्कशन हो चुका है बट यहाँ पे मतलब बेसिकली आप हर एक डिमांड को जब सेपरेटली वोट करो थोड़ा बहुत उस पर डिस्कशन करोगे, और डिस्कस करने के दौरान यहाँ पे उनके पास एक और पावर है कि वो मोशन लेके आ सकते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए मोशन, कि कोई भी पर्टिकुलर डिमांड जो है उसको रिड्यूस करने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें अगर मान लो बजट में कोई पॉलिसी है, कोई भी कैसी स्कीम है जो पसंद नहीं आ रही है, तो उसके लिए जो भी डिमांड मांगी गई है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा, मान लो उनको उस पर्टिकुलर डिमांड के लिए उनको 1 करोड़ रुपए चाहिए बट उनको लगता है, लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है, तो वो सिंपली क्या करेंगे, पहले तो कट मोशन लेके आएंगे। अब कट मोशन आपको दिखने को मिलेगा तीन तरह के हैं, ठीक है, वो तीन तरह के कौन से अभी हम जिसको डिस्कस करने ही वाले हैं। तो कट मोशन ला के उस पर्टिकुलर डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं हम आपको इतना पैसा नहीं देंगे, इसमें आप इतना कम कर दीजिए, या फिर इसको पूरी तरह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कट मोशन के थ्रू की जाएंगी, ठीक है। तो याद रखना है जो कट मोशन है हमने देखा था कि जब हम सेकंड स्टेज पढ़ रहे थे, लेट मी शो यू, यहाँ पे बेसिकली हमने देखा था कि डिस्कशन हो सकता है बट कोई भी कट मोशन नहीं आ सकता। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेज पे हमने पढ़ा था कि जब सेकंड स्टेज पे बजट होता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होता है, कोई भी कट मोशन नहीं लाया जाता। क्यों? बिकॉज ये जो कट मोशन है कब आता है आपका, फोर्थ स्टेज पे, यानी जब वोटिंग के लिए बेसिकली बजट को रखा जाता है, तब वहाँ पे जो मेंबर्स है पार्लियामेंट यानी कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके पास पावर है कि वो पर्टिकुलर डिमांड को रिड्यूस करने के लिए कट मोशन लेके आ सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। तो हम बेसिकली देखते हैं कट मोशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है पॉलिसी कट मोशन क्या होता है।
तो पॉलिसी कट मोशन में बताया गया है कि इट रिप्रेजेंट करता है द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी। ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी पॉलिसी आ रही है उसका सीधा सीधा डिसअप्रूव किया जा रहा है, उसको अंडरलाइन द डिमांड, यानी उस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो भी डिमांड है उसको डिसअप्रूव किया जा रहा है इस पॉलिसी को ला के, यानी पॉलिसी कट मोशन को ला के, ठीक है। दूसरा, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाय रुपी वन। अभी जो रुपी वन है इसमें कन्फ्यूजन होती है कि एक रुपये से कम कर रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो वो भी हमें धीरे धीरे समझेंगे। द मेंबर कैन ऑल्सो एडवोकेट एन ऑल्टरनेट पॉलिसी, यानी उस केस में अगर मान लो किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिसी के ऊपर अगर पॉलिसी कट मोशन बेसिकली लेके आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिमांड के ऊपर, तो एक तो वहाँ पे डिसअप्रूवल मान रहे हैं उस पॉलिसी का, दूसरा उस केस में उनके पास क्या है, दूसरा मौका है कह सकते हैं कि वो एक ऑल्टरनेट पॉलिसी वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है बाकी मेंबर्स को अगर वो पॉलिसी पसंद नहीं आए तो हम ऐसा करते दूसरी पॉलिसी लेके आ जाते हैं, देन उस पर फिर वोटिंग कर लेंगे अगर वो सही लगेगी। तो जो पर्टिकुलर पॉलिसी अभी डिमांड जो है रखी गई थी उस पर अगर पॉलिसी कट मोशन आया इट मीन्स उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस रुपी वन की, तो रुपी वन का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई डिमांड बेसिकली थी कि हम इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपए जो है खर्च करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या करा कि सिंपली उस पर्टिकुलर डिमांड में अपना पॉलिसी कट लेके आ गए और बोल दिया कि हम इसको रुपी वन से जो है रिड्यूस कर। रुपी वन है ना, सिंपली वो एक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से अब डिसअप्रूव हो चुकी है, यानी कि इस पर्टिकुलर डिमांड को हम बेसिकली ग्रांट नहीं बना सकते। तो वोटिंग के दौरान क्या हो गई, पॉलिसी कट ला के उन्होंने इस पर्टिकुलर डिमांड को ही डिसअप्रूव कर दिया। तो रुपी वन सिंपली आपको कुछ ऐसा नहीं है कि उन्हें एक रुपये से माइनस करना होगा, नहीं, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि वो जो पर्टिकुलर डिमांड है वो ग्रांट नहीं बन पाएगी, यानी पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी है उनकी वो पर्टिकुलर डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक कट मोशन रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी दैट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफाइड अमाउंट विच आइदर बी लमसम रिडक्शन हो रहा है इन द डिमांड में, या फिर ओमिशन हो रहा है, या फिर रिडक्शन हो रहा है इन द आइटम इन द डिमांड, ठीक है। यानी यहाँ पे भी क्या है चीज़ है, रिड्यूस हो रहा है, बट कितना रिड्यूस हो रहा है ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि जितना पैसा खर्च करने की बात की जा रही है उस पर्टिकुलर डिमांड में कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, तो उसमें क्या होता है एक लमसम अमाउंट को रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि मान लो आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो 1,00,000 करोड़ रुपये का है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। थोड़ा सा कम मतलब कि एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या करो, आप इतना अमाउंट आपका मान लो 1,00,000 करोड़ मान लो अब 50 करोड़ तक आ जाएगा, तो इतना अमाउंट ठीक है इस पर्टिकुलर पॉलिसी को या फिर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम इतना पैसा ना देके आपको इतना पैसा इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यानी आप क्या कर रहे हो, पॉलिसी को यहाँ पे एक तरह से रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। जिस तरह से पॉलिसी कट मोशन में हम क्या कर रहे थे कि पूरी ही पॉलिसी को रिजेक्ट कर रहे थे एक रुपये से डिनोट करके, बट इकोनॉमिक कट में हम ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं कि हम बेसिकली उस अमाउंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे, एक लमसम अमाउंट हम कह सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे जाके फर्दर जो भी अमाउंट होगा वो उतना ना लग के थोड़ा सा कम लगेगा। और क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका डिपार्टमेंटल कमिटीज़ है जब उसको स्क्रूटनी करती है वो भी देखती है कि यार कुछ ज़्यादा ही मांग लिया इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने, इतना पैसा तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगने ही नहीं वाला, तो इस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें इकोनॉमिक कट मोशन ला के सिंपली हम उन्हें बोल देते हैं कि आप स्पेसिफाइड अमाउंट तक इसको रिड्यूस कर दो एंड देन उस पर्टिकुलर डिमांड को फिर ग्रांट में कन्वर्ट कर देंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में बोला गया है कि इट वेंटिलेट्स अ स्पेसिफिक ग्रीवांस दैट इज विद इन द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट स्टेट दैट द अमाउंट टू बी डिमांड रिड्यूस बाय 100। यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 100 से ₹100 उसको रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पॉलिसी का कोई भी पार्ट, यानी पर्टिकुलर कोई पॉलिसी है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है, अगर उसमें से किसी एक भी पार्ट में आपको कोई इशू लग रहा है तो उस इशू को हटाने के लिए या फिर इस इशू में अपना कह सकते हैं कि अपना डिसअप्रूवल शो करने के लिए वो क्या करेंगे, ₹100 का रिडक्शन करने की बात करेंगे, ठीक है, कि भाई ये चीज़ है उसमें हमें इशू आ रहा है तो आप क्या करो इस चीज़ को या तो रेक्टिफाई कर लो, ठीक है, या फिर आप उसको चेंज करके कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर लो। देन हम यहाँ पे देखेंगे
कि किस तरीके से जो कट मोशन है यानी टोकन कट मोशन है वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफ़िल करना उसके लिए ज़रूरी है, यानी ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है जब फुलफ़िल होंगी सेटिस्फाई होंगी तभी ये टोकन कट मोशन लाया जा सकता है। पहली कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली, यानी सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिमांड के लिए आप टोकन कट लेके आ सकते हो। ठीक है, पूरी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही तो आप पॉलिसी कट मोशन ले आओ। किसी पर्टिकुलर पॉलिसी में अगर आपको लग रहा है कि अमाउंट कुछ ज़्यादा मांग रही है गवर्नमेंट तो वहाँ पर इकोनॉमिक कट लेके आ जाओ। बट किसी पर्टिकुलर पॉलिसी में कोई एक स्पेसिफिक डिमांड है जो पसंद नहीं आ रही है मेंबर्स को तो उस केस के लिए आप टोकन कट मोशन लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यानी सिर्फ एक डिमांड से रिलेटेड होनी चाहिए तभी टोकन कट मोशन आ सकता है। सेकंड बोला गया है कि इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए एंड शुड नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, यानी कि जो भी पर्टिकुलर जिस भी चीज़ के लिए आप टोकन कट मोशन लेके आ रहे हो सबसे पहले आप क्लियरली बताओ कि आपका क्या ग्रीवेंसेस है, मतलब क्या आपको परेशानी लग रही है उस पर्टिकुलर स्कीम के एक पर्टिकुलर हेड में कि आप उसके लिए टोकन कट मोशन लेके आ रहे हो, मैंने वो क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देने हैं, यानी मेंबर्स उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पेश कर सकते कि ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हमेशा से ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आती हैं या फिर वो इस तरीके से काम कर रही है, मतलब कोई भी यहाँ पे झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, कोई भी किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करना है, कोई डिफेमेटरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं बोलने हैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ या मिनिस्टर के खिलाफ। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या पसंद नहीं आ रहा है, पॉलिसी के कौन सा क्लॉज में क्या दिक्कत आ रही है वो आपको क्लियरली एक्सप्रेस करना होगा। थर्ड पार्ट ये है कि शुड बी कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर, यानी वही है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर पे ही आप डिस्कस कर सकते हो। अब उस पॉलिसी में बोला गया है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर स्कीम जो है इस सेक्शन के लिए हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, इस सेक्शन के लिए हम इतना इतना जो है फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसी पे आप कन्फाइंड रहो ना। अब उस पॉलिसी में बाकी चीज़ें बोली गई हैं कि हम इतना रोड बना देंगे ये सब कर देंगे, तो उस मैटर पे आप मत घुसो। आपको सिर्फ एक मैटर पे इशू है तो उसी मैटर पे आप टोकन कट ला के उस चीज़ को 100 रुपीज़ से रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक मैटर के लिए ही वो कन्फाइंड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फोर्थ पॉइंट बोला गया है कि शुड नॉट मेक सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट और द रिपील ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कोई पर्टिकुलर कानून जो अभी एग्जिस्टेंस में है उस पर्टिकुलर लॉ में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है यानी उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर उसको पूरी तरह से रिपील कर देना है यानी कि उसको खारिज कर देना है तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप कट मोशन यानी टोकन कट मोशन नहीं ला सकते, बिकॉज वो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लॉ जो है उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना है रिपील करना है तो गवर्नमेंट यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो अपने आप कोई फर्दर चेंजेस करने के लिए कोई एक्ट लेके आ जाएगी, तो वो सब चीज़ें जब वहाँ पर हो सकती हैं तो आपको उन पर्टिकुलर चीज़ों पर टोकन कट मोशन ला के उसको वहाँ पर एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अलग से ही आप देख सकते हो गवर्नमेंट करती है, अगर उन्हें लगता है कि कुछ चेंजेस करने हैं तो पर्टिकुलर बिल ला के उस पर चेंजेस कर देती है, बट उस पर्टिकुलर चीज़ों को आप इस मोशन के थ्रू नहीं कर सकते। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बोला गया है कि इट शुड नॉट रेफर टू अ मैटर दैट इज़ नॉट प्राइमरली द कंसर्न ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि वो मैटर्स सारे जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते, यानी जैसे कि हम जानते हैं तीन लिस्ट होती हैं, ठीक है, तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो होती है आपकी यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, मतलब वो सारी चीज़ें जो यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं वहीं उन पे जो है यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, स्टेट लिस्ट में जो जो मैटर्स आते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट दोनों बना सकती हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि वो सारे मैटर जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते तो उन मैटर्स के ऊपर अगर आप टोकन कट मोशन लेके आ रहे तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यह करना है कि वही मैटर्स जो यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहे हैं जिन पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है उन्हीं मैटर्स के ऊपर आप टोकन कट मोशन ला सकते हो, उसके अलावा नहीं। ठीक है, सिक्स पॉइंट बोला गया है कि शुड नॉट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि अगर वही सिंपली बोली गई है कि एक्सपेंडिचर चार्ज पे अगर वोटिंग ही नहीं होगी तो कट मोशन आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सिंपली डिस्कशन होता है कह सकते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज पे, ठीक है, वोटिंग नहीं होती है और कट मोशन भी नहीं लेके आ सकते हो। सेवन पॉइंट बोला गया है कि शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर दैट इज़ अंडर एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट, यानी कोई भी कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो इन सभी कोर्ट में अगर कोई एक मैटर है जो बेसिकली उसका वहाँ पे ज्यूरिडिक्शन चल रहा है, ठीक है, तो उन मैटर को आप पहले तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है,
और डिस्कस नहीं कर सकते, और उसको डिस्कस करने के लिए आप टोकन कट मोशन नहीं ला सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो मैटर अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो उसको यहाँ पे ला के टोकन कट मोशन में डिस्कस करना और उस पर वोटिंग करना, तो वो बेसिकली सही नहीं होता है। तो ये चीज़ें उसके अंडर नहीं आती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8th पॉइंट है कि इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ अ प्रिवलेज। यानी कि हमारे जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उन्हें कुछ प्रिवलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री प्रिवलेजेस बोलते हैं, जिसको आम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे उसको क्या होते हैं ये, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कुछ मेंबर्स को कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड होती है, जिसको हम प्रिवलेजेस के अंदर लेके आते हैं। तो उन प्रिवलेजेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर प्रिवलेज में ऐसा क्यों कर दिया किसी मिनिस्टर ने जो इस प्रिवलेज को ब्रीच किया है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप पर्टिकुलरली किसी और सेशन में जब पूछ सकते हो, तो उसको यहाँ पे रेज करने का कोई भी बेसिकली पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि अगर कोई भी प्रिवलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस टोकन कट मोशन के थ्रू रेज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इसको हम ऑलरेडी किसी और सेशन के थ्रू जब डिस्कस कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसको डिस्कस करने का कोई मैटर नहीं है। 9th पॉइंट बोला गया है कि इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑन विच अ डिस्कशन हैज़ बीन टेकन इन द सेम सेशन। यानी वही चीज़ बात है कि ऐसा कोई भी मैटर जिस पे ऑलरेडी किसी सेम सेशन के अंदर उस पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो उस मैटर को फिर से रिवाइव करने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है ना। अगर मान लो कोई भी मैटर है, जैसे मान लो फार्म लॉ बिल था, ठीक है, तो उस पे अगर मान लो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो क्या ज़रूरत है उसको वापस से, जब बजट के दौरान अगर मान लो कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जा रही हैं, ठीक है, तो उसमें फिर से बेसिकली टोकन कट मोशन ला के आप उसको फिर से रिवाइव कर रहे हो, उस डिस्कशन को क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा कि ऑलरेडी वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, तो फिर से उसके डिस्कशन को रिवाइव करना इज़ नॉट गुड थिंग, जो कि आप इस पॉलिसी टोकन कट मोशन में लेके नहीं आ सकते हो। नेक्स्ट 10th पॉइंट है कि शुड नॉट रिलेट टू द ट्राइबल मैटर। मतलब कोई भी ऐसा मैटर जो कि कोई भी बेसलेस है, कोई यूज़ नहीं उसका, उन सब मैटर को आप लेके यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज आप सोच सकते हो कि जो कट मोशन होता है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि अगर कुछ मेजर चीज़ें चेंजेस अगर आपको करने हैं, तो ही आप इसे लेके आ सकते हो। कोई भी ऐसा मैटर जो कि यूज़लेस है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस पर अगर आप टाइम दे रहे हो, कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर पॉलिसी कट या फिर ऐसा मोशन लेके आओगे, तो आप सोच सकते हो बजट को आप कितना ज़्यादा डिले कर रहे हो। ऑलरेडी बजट जो था पहले, आप देख सकते हो लास्ट वर्किंग डे जो था फेब्रवरी का, वहाँ पे आता था, देन आपका फेब्रवरी, देन मार्च, और फिर 1st अप्रैल से आपका जो है बेसिकली वो शुरू हो जाता था न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो टाइम पीरियड आपको मिलता है बजट को पूरी तरह से पास ऑन करने का, स्टेज वन में पहले आप प्रेजेंट कर रहे हो, फिर डिस्कस कर रहे हो, स्क्रूटनी कर रहे हो, वोटिंग कर रहे हो, वोटिंग में भी आप ऐसे ऐसे मैटर पे कट मोशन लेके आओगे, तो आप कितना लंबा उसको खींच रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हो, टाइमली जो है आपका जो बजट है पास हो जाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेसिफिक मैटर है, जो कि इम्पॉर्टेंट मैटर है, उन्हीं मैटर के ऊपर जो है कट मोशन लेके आया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है 11th पॉइंट कि शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द करेक्टर और अ कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन हुज कंडक्ट कैन ओनली बी चैलेंज्ड ऑन अ सब्सटेंटिव मोशन। यानी कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, उसका कोई भी करेक्टर या कंडक्ट आपको डिस्कस करना है, तो वो डिस्कशन आप सब्सटेंटिव मोशन के थ्रू जब कर सकते हो, तो उसको यहाँ पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, वो हमने पार्लियामेंट के इसी चैप्टर पे डिस्कस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो प्रेसिडेंट है, उनका इम्पीचमेंट करना है, तो आपको याद हो तो हम वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सब्सटेंटिव मोशन को लेके आके हम उनका इम्पीचमेंट मोशन को लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें, अगर किसी पर्सन का करेक्टर आप इस मोशन के थ्रू कर सकते हो, तो यहाँ पे लेके आने का टोकन कट के थ्रू आप उसको क्यों स्टार्ट करोगे ना। तो टोकन कट के अंदर आप किसी पर्सन का करेक्टर नहीं यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगेन ये पॉइंट फिर से वही चीज़ बता रहा है कि इट शुड नॉट एंटिसिपेट अ मैटर विच हैज़ बीन प्रीवियसली अपॉइंटेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द सेम सेशन। मतलब सेम सेशन के अंदर आपने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर लिया, तो फिर से उसको इस मोशन के थ्रू लाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है कि शुड नॉट सीक टू रेज अ डिस्कशन ऑन अ मैटर पेंडिंग बिफोर एनी स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी परफॉर्मिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस और एनी कमीशन और अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। मतलब सिंपली वही बात बोली गई है, कोई भी ट्रिब्यूनल हो गया
कोई भी कमीशन हो गया या फिर कोई ऐसी बॉडी जिसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स है, उनके अंडर अगर मान लो कोई भी ऐसा मैटर है जो वहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है, कोई लिटिगेशन में अगर कोई मैटर फंसा हुआ है, तो उन मैटर के ऊपर आप यहाँ पे टोकन कट मोशन ला के डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसके थ्रू आपको पता चल गया होगा कि इतना स्पेसिफिक मुद्दा ही जो है बेसिकली इसमें ला के आप डिस्कस कर सकते हो, कोई भी रैंडमली कुछ भी उठा के आप यहाँ पर नहीं लेके आ सकते। ओके, देन हम यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है कट मोशन की, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कौन से कट मोशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो अब उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है। पहला, इट फैसिलिटेट द इनिशिएशन ऑफ कंसंट्रेट डिस्कशन ऑन अ स्पेसिफिक डिमांड फॉर अ ग्रांट। अगेन वही चीज़ हमने बता दी कि मेन जो स्पेसिफिक डिमांड है ग्रांट की, उसके लिए लेके आया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि इट अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय प्रॉबिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, हाउएवर द कट मोशन डू नॉट हैव मच यूटिलिटी इन प्रैक्टिस। क्यों? देखो, सिंपली यहाँ पर बोला गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, रूलिंग पार्टी होती है लोकसभा में, अगर मान लो उसकी मेजोरिटी हो, जैसे राइट नाउ आपको देखने को मिलता है कि जो बीजेपी पार्टी है उनकी लोकसभा में काफ़ी अच्छी मेजोरिटी है। अगर किसी भी पार्टी की अगर मेजोरिटी है, यानी उसके अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं वो उन्हीं की पार्टी के हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो कट मोशन ला सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एक ही पार्टी के मेंबर है, वो तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो हमने बजट बनाया है उन पे आप वोटिंग करके फाइनली उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दो और हमें इतने पैसे जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर आने से पहले ही पैसे हमारे हाथ में आ जाएँ। तो ये चीज़ें ये शो करता है कि अगर मान लो कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का, लोकसभा में, अगर मान लो कट मोशन लेके आ रहा है, तो इट मीन्स आप जान सकते हो कि वहाँ पे उस समय जो गवर्नमेंट है वो उतनी ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं है, तभी वहाँ की जो मेंबर्स है कट मोशन लेके आ पा रहे हैं अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ ना। तो ये चीज़ें डिनोट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कट मोशन का ना आना, क्योंकि ये चीज़ ये सिग्निफाई करेगा कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि दे आर ओनली मूव्ड एंड डिस्कस्ड इन द हाउस बट नॉट पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन्जॉय मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट। मतलब वही यही चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं बट पास नहीं हो सकते, बिकॉज गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है हाउस में कि कोई मेंबर जो है कट मोशन लेके ही नहीं आ पाता। देयर पैसेज बाय द लोकसभा अमाउंट टू द एक्सपेरियंसेस ऑफ द वॉन्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट में लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। मतलब वही चीज़ है, इंडायरेक्टली आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली ये चीज़ ये कन्वे करता है, अगर कट मोशन लेके आ रहा है, इट मीन्स पार्लियामेंट के अंदर पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी नहीं है। अगर मेजोरिटी नहीं है तो ये इंडिकेट करेगा, सिग्निफाई करेगा कि गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम पर रेजिग्नेशन दे सकते हैं, बिकॉज उसके मेंबर ही आपस में ना एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में ही जो है बेसिकली मतलब एक तरह का वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है उन्हें कि किस तरीके से जो है सरकार काम कर रही है, वो उनके हिसाब से जो है चल नहीं पा रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे जब उन्हें मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी अपनी पार्लियामेंट के अंदर, तो मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो सरकार को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। मोस्टली सिचुएशन जो है उस टाइम आती है जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है। कोलिशन में क्या होता है, डिफरेंट पार्टीज़ आपस में मिलकर सरकार बनाती है, तो उस केस में क्या होता है सबकी आइडियोलॉजीज़ जो होती डिफरेंट होती है, कोई पर्सन है किसी चीज़ के ऊपर फेवर करता है, कोई किसी चीज़ के ऊपर फेवर करता है, तो उस केस में देखने को मिलता है कि वो पर्टिकुलर पॉलिसी से जो है सहमत नहीं होते, फिर वो कट मोशन लेके आते हैं। कट मोशन लेके आएंगे तो फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ भाई इतना पैसा हमें चाहिए था और ये बेसिकली देने से मना कर रहे हैं, तो आपस में फिर वही चीज़ें होंगी। तो फिर फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा हो जाता है कि उन्हें बाद में रिज़ाइन करना पड़ सकता है, तो ये सब इसके इम्प्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेज अलॉटेड फॉर द डिस्कशन एंड द वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, द स्पीकर पुट ऑल द रिमेनिंग डिमांड्स टू द वोट एंड डिस्पोज देम वेदर दे हैव बीन डिस्कस्ड बाय द मेंबर और नॉट, जिसको हम गुलेटिन कहते हैं। यानी कि सिंपली क्या हुआ, जो आपका लास्ट डे था वोटिंग का, ठीक है, अब हमने देखा किस तरह से पर्टिकुलर डिमांड को जो है मिनिस्ट्रीज के डिमांड को एक एक चीज़ करके सुना गया, उस पर वोटिंग डाली गई, ठीक है। तो लास्ट डे ऑफ द डेज अलॉटेड फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट जब हो गई है, तो यहाँ पे जो स्पीकर है, स्पीकर कौन होते हैं लोकसभा में, जैसे कि हम जानते हैं स्पीकर होते हैं, उनका मेन रोल ये होता है कि अब जो भी रिमेनिंग डिमांड्स हैं, ठीक है, उनको आपने वोट डाल दिया, बट कुछ ऐसे डिमांड्स होंगे जो डिस्कस नहीं की गई होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, आप देख सकते हो मिनिस्ट्री वाइज आपको उसको डिस्कस करना है, आपके पास कभी कभार इतना टाइम भी नहीं होता कि आप सब चीज़ों को डिस्कस भी कर सको। तो सिंपली क्या करता है कि ऐसे जो पार्ट होता है जिसको डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है, तो उसको वोटिंग के डाल दिया जाता है। यानी कि मान लो कुछ ऐसा पार्ट था जो डिस्कस भी हो गया, वोटिंग भी हो गया, बट कुछ पार्ट था रिमेनिंग पार्ट बच गया जिस पर डिस्कशन तो हुआ नहीं, बट फिर भी स्पीकर क्या करेगा, एक गुलेटिन करके, एक गुलेटिन वर्ड होता है
जिसमें बोला जाता है सिंपली कि जो अन वोटेबल पार्ट जो है, मतलब जिस पे वोटिंग नहीं हुई है, उसको भी हम एक साथ वोट करके उसको पास कर लेते हैं, ठीक है। मतलब वही है, टाइम को सेव करने के लिए स्पीकर इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना फोर्थ स्टेज को कंप्लीट कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान सकते हो बजट में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वोटिंग पार्टी, बिकॉज वो डिसाइड करती है कि जो भी बजट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से किस तरीके से पास ऑन होगा। मतलब यही ऐसा स्टेज है जहाँ पे उनके बनाए हुए पॉलिसीज़ को कम भी की जा सकती है, उसमें जो आया हुआ पैसा उसको रिड्यूस करने की बात की जा सकती है, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं कट मोशन के द्वारा। तो ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हर सरकार चाहती है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है उससे उन्हें ज़्यादा टाइम ना लगे, सीधा सीधा जो भी बजट आया है उनको एकदम पास करके ग्रांट बना के एंड नेक्स्ट स्टेज के ऊपर पास ऑन कर दें। और नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी आती है, मेन इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएशन बिल, जो हमने देखा था कि किस तरीके से अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। अकॉर्डिंगली एन अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट। यानी कि सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि अभी तक हमने जो चार स्टेजेस से ये देख लिया किस तरीके से वोटिंग हो गई है, यानी कि जो भी आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, यानी पार्लियामेंट से हमने क्या ले लिया, अप्रूवल मिल गया है कि हाँ बजट में इतना इतना पैसा जो भी चीज़ थी वो सब इनको मिल जाएगा, ठीक है। जब पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल मिल गया है कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, अब उस पैसे को निकालना भी पड़ेगा। अब निकालोगे कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालोगे। अब ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि आप डायरेक्टली उस पैसे को निकाल नहीं सकते, सबसे पहले आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेजिडेंट से, एंड उसके बाद आपको एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा। सिंपली आपको क्या करना है, लोकसभा में आप अप्रोप्रिएशन बिल लेके आओगे, ठीक है, राज्यसभा में जाके अगेन वो पास कर देगा, फिर जैसे दोनों हाउसेज से पास हो जाएगा देन प्रेजिडेंट उसमें अपनी एसेंट दे देंगे, तो फर्दर वो एक्ट बन जाएगा। यार ये एक्ट बनना ज़रूरी है, तभी आप डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है, बिकॉज अप्रूवल यहाँ पे दोनों ने दे दिया, लोकसभा ने भी दे दिया, राज्यसभा ने भी दे दिया है कि हाँ भाई आपको बजट के थ्रू इतना पैसा जब मिल जाएगा तो सिंपली अब आपके पास क्या काम है कि आपको ये पैसा निकालना है, ओके। तो किन किन चीज़ों के लिए आपको पैसा मिलेगा, पहला कि वो सारी ग्रांट, या देखो ग्रांट पहले क्या थी, डिमांड्स थी हर एक मिनिस्ट्री की, अब क्योंकि उस पर वोटिंग हो चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, तो वो अब ग्रांट बन चुकी है। तो लोकसभा ने जो जो ग्रांट्स वोटेड की थी उन सभी के लिए पैसा मिलेगा। और दूसरी चीज़, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिकली पैसा है जिस पर डिस्कशन तो हुआ है पार्लियामेंट में, बट उस पर वोटिंग नहीं हुई है, कोई कट मोशन नहीं आया, बट पैसा तो इसके लिए भी मिलेगा। यानी आपको सिंपली क्या करना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इन दो चीज़ों के लिए पैसा निकालना है, एक तो ग्रांट्स के लिए और दूसरा एक्सपेंडिचर चार्ज के लिए। देन यहाँ पे बोला गया है कि नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू द अप्रोप्रिएशन बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट विल हैव इफेक्ट ऑफ वेयरिंग द अमाउंट ऑल्टरिंग द डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट वोटेड और वेयरिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आई होप आपको याद होगा, ये चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में भी पढ़ा था ये पर्टिकुलर पॉइंट। इसमें बेसिकली सिंपली ये बोला हुआ है कि जो भी अप्रोप्रिएशन बिल आएगा, कि यानी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए, अब आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आप बिल लेके आ रहे हो, बट इस बिल में आप फर्दर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। क्यों अमेंडमेंट नहीं कर सकते, पहला कि जब ये डिमांड्स आ रही थी तभी आपने इसमें जो भी चेंजेस करना था आपने चेंजेस वहाँ पे करवा दिया, करवाने के बाद वोटिंग भी होगी, अप्रूवल भी मिल गया। जब किसी चीज़ के लिए आपको अप्रूवल मिल गया तो क्यों आप उसमें अमेंडमेंट करवाओगे, अमेंडमेंट करवाने का मतलब है कुछ चेंजेस सजेस्ट करना। जब आपने पहले ही इतना डिस्कशन कर लिया है, इतना ज़्यादा वोटिंग कर ली है, वहाँ पे ही जो भी चेंजेस होने थे वो सब उस पर्टिकुलर स्टेज में हो चुके हैं, तो यहाँ पे फर्दर अमेंडमेंट करके कोई चेंजेस आप यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे, जब अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा तो कोई अमेंडमेंट वहाँ पे नहीं ला सकते। यहाँ अमेंडमेंट के थ्रू मतलब आप कोई भी अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, उसका डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकते। स्पेशली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी पैसा आप निकालोगे चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो बेसिकली आप नहीं कर सकते, वो तो पहले भी नहीं कर सकते थे और इस टाइम पे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई है कि इस पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी अमेंडमेंट आप नहीं करवा सकते। देन
अप्रोप्रिएशन बिल विल बिकम्स द अप्रोप्रिएशन एक्ट आफ्टर इट असेंडेड टू द प्रेजिडेंट, एंड जैसे ही प्रेजिडेंट की असेंट मिल जाएगी एंड उनकी हामी मिल जाएगी वैसे ही वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस एक्ट ऑथराइज और लीगलाइज करता है द पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. यानी ये पर्टिकुलर एक्ट जैसे ही बन गया, यानी अप्रोप्रिएशन बिल में जब प्रेजिडेंट ने असेंट दे दिया तब वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया. और ये पर्टिकुलर एक्ट बेसिकली लीगलाइज कर रहा है आपको, मतलब लीगली आपको कानूनी बेसिकली हक दे रहा है कि आप बेसिकली आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये लीगलाइज कर रहा है इस चीज़ को. दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट विदड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल द इनैक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल. यानी कि बिना बिल को इनैक्ट किए हुए आप इसमें से एक भी पैसा निकाल नहीं सकते. बिल लेके आओ, उसको पास करवाओ, प्रेजिडेंट का एसेंट लेके आओ, देन आप उसको आराम से जो भी पैसा आपको अप्रूवल में मिला है वो पैसा आपको मिल जाएगा. देन यहाँ पे बोला गया है कि दिस टेक्स टाइम एंड यूजुअली गोज ऑन टिल द एंड ऑफ द अप्रैल. मतलब वही चीज़ें बता रहा है कि जब आप इतनी सारी स्टेजेस से पास ऑन होंगे, जब आप लास्ट उसमें फिफ्थ स्टेट में आओगे तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि आपका अप्रैल एंड होते होते आ जाएगा. यानी कि आप सोच रहे हो कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल से आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, बट आपको एंड हो गया अप्रैल का और एक भी पैसा सरकार को नहीं मिला. सोचो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए उस पूरे महीने जो है अपना काम वाम करना, अपनी पॉलिसीज लेके आना, जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स उनको लेके आना, तो इतना टाइम लग जाता है. बट द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज़ आफ्टर 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और फर्स्ट ऑफ अप्रैल जब स्टार्ट होता है तो उसमें अपनी बेसिकली उस समय उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है. टू ओवरकम दिस फंक्शनल डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑथराइज द लोकसभा टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द कम्प्लीशन ऑफ द वोटिंग ऑफ डिमांड ग्रांट एनैक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल. तो ये चीज़ भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि अगर इन केस अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरीके से अपना खर्चा वर्चा चलाएगी, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ही ऑथराइज़ कर रहा है लोकसभा को, या तो लोकसभा अपने आप से नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन उनको ऑथराइज़ कर रहा है कि उस केस में आप कुछ एडवांस में, जैसे हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, उसके थ्रू आप सरकार को कुछ एडवांस से पैसा दे दो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जो भी उनका पैसा उन्हें चाहिए उनमें से कुछ पार्ट आप उनको अभी दे दो सो दैट वो अपना फंक्शन कैरी आउट कर ले, एंड लेटर ऑन जैसे ही वो बिल पास होगा, एक्ट बनेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपना पैसा निकाल लेंगे, देन वो आने वाले मंथ में जो भी चीज़ें होंगी वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे. ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. वही सिमिलरली यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से उस चीज़ को हम वोट इन अकाउंट कहते हैं, एंड उसको इट इज़ पास्ड और ग्रांटेड आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज़ ओवर. जो भी जनरल डिस्कशन आप जानती है सेकेंड स्टेज है हमारी, तो जैसे जनरल डिस्कशन ओवर होगा तभी आपको वोट इन अकाउंट आपको मिल सकता है. और ये जनरली ग्रांट किया जाता है 2 मंथ्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 2 महीने तक तो मतलब एक्स्ट्रा, मान लो अगर एंड ऑफ द अप्रैल तक ये चीज़ खींच गई है तो यानी सिंपली उनको एक अप्रैल मंथ लगेगा और नेक्स्ट वाला मंथ लगेगा, यानी एग्जैक्टली 2 मंथ तक अगर उनको एडवांस मिल जाएगा तो उसके बाद तो बजट अपने आप में ही पास हो जाएगा. तो इसलिए जनरली 2 मंथ के लिए ग्रांट किया जाता है. एंड दिस अमाउंट इज़ इक्विवेलेंट टू द 1/6 ओवर टोटल एस्टिमेशन. यानी टोटल अमाउंट उनका जो भी है बजट में, मान लो उनको 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, पूरे अपना बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसका सिर्फ 1/6 अमाउंट जो है वोट इन अकाउंट के थ्रू पहले ले सकते हैं 2 मंथ के लिए. ठीक है, सिर्फ 1/6 अमाउंट उनको मिलता है, बाकी जो रिमेनिंग 5/6 अमाउंट है वो उनको जैसे बिल पास हो जाएगा उसके थ्रू फिर मिल जाएगा. तो एडवांस में सिर्फ इसको 1/6 अमाउंट उनको मिल जाता है. देन अब मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि अब भी चल रहा है 2024, ठीक है, जनवरी का महीना है. अब आपको देखने को मिलेंगे इस साल आपके जनरल इलेक्शन है, तो जनरल इलेक्शन वाले टाइम पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि इस टाइम पे इंटरिम बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में. याद रखना इंटरिम बजट आता है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो जैसे ही इसमें बोला जाता है फिर आफ्टर द जनरल इलेक्शन ओवर, जैसे जनरल इलेक्शन एक बार ओवर हो जाएगा तो जो भी आपका न्यू गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, तो वो न्यू गवर्नमेंट जो है फिर अपना रेगुलर बजट जो है लेके आएगी पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी, वो जो डेट डिसाइड की जाएगी न्यू गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है. तो यानी कि जनरल इलेक्शन के टाइम पे एक इंटरिम बजट लाया जाता है जब तक करना है, उसके बाद न्यू गवर्नमेंट आएगी वो अपना रेगुलर टाइम पे जो भी उनको बजट लाना होगा वो लेके आके पास करके अपने जो भी न्यू फाइनेंशियल ईयर में जो भी उन्हें काम करना है उसके थ्रू कर लेगी, ठीक है. तो ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको 2024 यानी इस साल में, क्योंकि ये साल जो जनरल इलेक्शन का टाइम है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाले हैं.
नेक्स्ट आपकी जो स्टेज है वो है सिक्स स्टेज है, अनदर इम्पॉर्टेंट है, जो कि पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि द फाइनेंशियल बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशन अप्लीकेबल टू द मनी बिल। अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल, द अमेंडमेंट सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस अवर टैक्स कैन मूव इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोली गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला गया है कि बेसिकली क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स से रिलेटेड कोई भी लॉज लेके आने हैं, ठीक है, और उन पर्टिकुलर लॉज में कुछ भी चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल मान लो इनकम टैक्स है, ठीक है, जीएसटी टैक्स है, कस्टम वगैरह होते हैं, तो ये सारे जो टैक्सेस होते हैं, इन टैक्सेस में अगर मान लो कोई भी चेंजेस करना है तो उस चेंजेस को करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल बिल को लाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो भी चेंजेस यहाँ पे सजेस्ट होते हैं वो पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट होते हैं आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसको लाने के लिए उन फाइनेंशियल प्रपोजल को, मतलब जो भी वो चेंजेस करना चाहते हैं कि भाई कल नेक्स्ट टाइम से हम जो इनकम स्लैब है उसमें ये चेंजेस करेंगे, इतने इतने परसेंट के लोग जो है अब इनकम टैक्स पे करेंगे, या फिर इतने से इतने परसेंट के जो लोग हैं जिनकी इनकम में सैलरी इतनी आती है तो उनको उससे बेसिकली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, तो वो कोई भी चेंजेस जो वो सजेस्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टैक्सेस के अंदर, उनको लाने के लिए उनको एक पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको एक फाइनेंशियल बिल को लाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वो सारी कंडीशंस जो मनी बिल में अप्लाई होती हैं वही सेम कंडीशन आपको फाइनेंशियल बिल में भी देखने को मिलती है। एंड जिस तरीके से एक मनी बिल को पास किया जाता है वैसे ही आपको फाइनेंशियल बिल को भी पास करना पड़ता है, ठीक है, उसी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली गई है कि जब अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है तो उसमें आप कोई अमेंडमेंट सजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी हमने डिस्कस कर लिया, बट फाइनेंशियल बिल के केस में आप अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हो, यानी कि कोई पर्टिकुलर टैक्स में अगर ये चेंजेस हैं तो वो पर्टिकुलर चेंजेस तो हमने टोकन कट वगैरह में तो देखे नहीं थे, तो क्योंकि वो चीज़ चेंजेस अब हम जब फाइनेंशियल बिल आएगा तब हम देखेंगे, तो उस टाइम पे जब वो डिस्कशन किया जा रहा होगा उन चेंजेस के ऊपर, तो क्यों ना हम मतलब अमेंडमेंट सजेस्ट कर सके हैं, है ना। तो यानी उस केस में जो भी मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट है उनके पास राइट है कि वो चाहे तो कुछ कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टैक्स में, जो भी प्रोविजन है उसको या तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उस टैक्स में कोई अमाउंट है तो उसको रिड्यूस करने की बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल बिल में पॉसिबल हैं, बट अमेंडमेंट बिल में पॉसिबल नहीं थी अमेंडमेंट्स, ठीक है, ठीक है, यानी अप्रोप्रिएशन बिल में कोई फर्दर अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931, द फाइनेंशियल बिल मस्ट बी इनेक्टेड दैट इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड एसेटेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट विद इन 75 days। तो नॉर्मली यहाँ पे बोला गया है कि 75 days तक का टाइम दिया जाता है, इस पर्टिकुलर एक्ट में ऐसा बोला गया है, ठीक है, कि आपको टोटल 75 days मिलेंगे, उस 75 days के अंदर आपको ये चीज़ें पार्लियामेंट से पास करनी है और साथ ही साथ प्रेजिडेंट की एसेंट लेना है विद इन 75 days के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये एकदम लास्ट का प्रोसेस होता है, सिक्स स्टेज हमारी आ गई है। तो बोला जाता है कि द फाइनेंस एक्ट जो होता है, जो फाइनेंस बिल जब फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये कहीं ना कहीं लीगलाइज कर देता है इनकम साइड ऑफ द बजट की, यानी इनकम साइड इन द सेंस, यानी जो भी पैसा गवर्नमेंट को आने वाला है, क्योंकि देखो जब जैसे ही पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा उन्हीं पैसों को तो खर्च कर पाएगी फर्दर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर पैसा ही नहीं आ रहा तो वो कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी पैसे होते हैं वो आते हैं और वहीं से फिर वो पैसे भी निकालती हैं आगे फर्दर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनकम साइड है उस बजट की वो एक तरह से लीगलाइज हो जाए, जो भी चेंजेस सरकार चाहती थी करवाना। फॉर एग्जाम्पल उन्हें लग रहा है कि यार अभी तो टैक्सेस के थ्रू हम पे ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा है, बट हमारी कोशिश ये है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करें, ये भी करें, वो भी करें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, बट पैसा उनके पास आ नहीं रहा। वो क्या करेंगी, एक फाइनेंशियल बिल्कुल आके इनकम टैक्स की स्लैब्स को बढ़ा देंगे कि नहीं अब इतने से इतने परसेंट के लोग भी अब इनकम स्लैब मतलब पर्टिकुलर टैक्स के अंदर आ रहे हैं तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उनके पास जो टैक्स का बेस है वो बढ़ जाएगा, अब ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है टैक्स पे करना शुरू कर देंगे, तो जितने ज़्यादा लोग टैक्सेस पे करेंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा होता जाएगा, और जितना ज़्यादा पैसे इकट्ठा होगा उतना ज़्यादा वो उसको खर्च कर पाएंगे और फर्दर जो भी अपनी स्कीम है, पॉलिसी है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट है, उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है बेसिकली कंप्लीट करता है बजट के इनैक्टमेंट को, यानी यहाँ पे जाके जब फाइनेंशियल बिल एक्ट बन जाता है तो वो हम कहेंगे दिस इज़ द लास्ट स्टेज बजट के इनैक्टमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो आपकी सारी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, और बजट आपका पूरा का पूरा इनैक्ट हो चुका है।
बस यहाँ पे कुछ दो चार चीज़ें बेसिकली पेंडिंग हैं, जैसा कि अब आपको देखने को मिलेगा तो कुछ ग्रांट्स वगैरह होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आज के लिए आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। ठीक है, तो दो चार चीज़ें बची हुई हैं, बाकी जो मेन पोर्शन जो था आपका बजट की स्टेजेस का वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, और बाकी आप चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। ओके, देन बाय।